हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि निबोस आईजीसी की सर्टिफिकेट को कैसे वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के लिए बहुत ही सिंपल उपाय है। आपको ये ईमेल आईडी यूज़ करना है, verification@nibos.org.uk, और आपको अपना सर्टिफिकेट अटैच करना है। और अटैच करने के बाद प्लीज़ वेरीफाई दिस सर्टिफिकेट और अपना नाम लिख के आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप सेंड करेंगे तो ये मैक्सिमम जो है 7 वर्किंग डेज लेते हैं, और उससे भी कम विदिन 1 or 2 डेज में ये रिप्लाई देते हैं। लेकिन अगर आप 1 वीक वेट करेंगे, मैक्सिमम 1 वीक तक टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद जो है आपको ये रिप्लाई करेंगे, ये ऑथेंटिक है कि नहीं, और आपको पता चल जाएगा आपका सर्टिफिकेट फेक है या आपका जेन्युइन है। तो आइए देखते हैं। मैंने कुछ सर्टिफिकेट्स जो है मेल किए थे, और मेल करने के बाद उसका क्या रिजल्ट आया। मैंने अपना सर्टिफिकेट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने 4 मार्च को ये मेल भेजा था, verification@nibos.org.uk पे प्लीज़ चेक ऑथेंटिकेशन ऑफ दिस रिजल्ट, ऐसा लिख के मैंने भेजा था, मेल किया था। और मेल करने के बाद ये आपने जैसा कि देख रहे हैं ये 4 मार्च को है, जबकि 5 मार्च को अगले ही दिन ये रिप्लाई आया कि गुड आफ्टरनून, यू आर इन वेरीफिकेशन रिक्वेस्ट अभय कुमार सिंह, फर्दर टू क्वेरी निबोस कैन कन्फर्म दैट द यू आर इन अटैच इज जेन्युइन। यानी कि ये जेन्युइन का आपको ये जो मैंने सर्टिफिकेट भेजा वो जेन्युइन है, ऐसा करके मेल आया है। आई ट्रस्ट दैट दिस इंफॉर्मेशन इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर योर पर्पस, काइंड रिगार्ड्स, ये उनका नाम है। तो इस तरह से जो है तुरंत रिप्लाई आ गया। मैंने एक और सर्टिफिकेट भेजे जो कि फेक थे, जो कि जेन्युइन नहीं थे, जो कि निबोस के द्वारा बताया गया, उसका मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने एक मेल भेजा था वेरिफिकेशन ये सेम ईमेल आईडी पे 2 मार्च को, और इसमें लिखा था वेरीफाई दिस आईजीसी रिजल्ट। और भेजने के बाद यानी कि 2 मार्च को, 4 मार्च को रिप्लाई आया कि देखिए, थैंक यू फॉर योर रिसेंट रिक्वेस्ट टू कंफर्म ऑथेंटिसिटी ऑफ द अटैच डॉक्यूमेंट। अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू एडवाइज यू दैट दिस डॉक्यूमेंट वॉज नॉट प्रोड्यूस्ड बाई निबोस, देयरफॉर वी कांट कन्फर्म ऑथेंटिसिटी। यानी कि ये उनके द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया गया है, इसलिए ये कन्फर्म नहीं कर सकते इसकी ऑथेंटिसिटी को, यानी कि सही है या गलत ये नहीं कर सकते। इसलिए ये जो अगर उनके तरफ से ये जारी किया गया रहता, उनके तरफ से अगर ये इशू किया गया रहता, तो वो बताते कि ये ऑथेंटिक है, अगर नहीं है तो फिर उन्होंने लिख दिया कि वी कांट कन्फर्म ऑथेंटिसिटी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट जो है फेक है, निबोस ने ये सर्टिफाई किया। तो आप जो है आप भी अगर अपना सर्टिफिकेट या किसी और का सर्टिफिकेट अगर चेक करना चाहते हैं, तो जस्ट फॉलो द स्टेप, अपना उस ईमेल आईडी पर भेजिए, और आपको जस्ट जो है आपको विद इन 1 वीक जो है आपको रिप्लाई मेल आ जाएगा, जेन्युइन है या फेक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल होगा। थैंक यू, धन्यवाद।